सारा इंडिया जमाकर्ता की राशि ब्याज सहित भुगतान का आदेश। बिहार शरीफ जिला उपभोक्ता फोरम की बड़ी लेटेस्ट खबर। सभी सहारा इंडिया निवेशकों के लिए दोस्तों ये न्यूज लेकर आए हैं बिहार शरीफ की, और बिहार शरीफ की उपभोक्ता फोरम की ये न्यूज आपके लिए जो लेकर आए दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी निवेशकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ये पूरी न्यूज पता चल सके कि इस वक्त बिहार शरीफ जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय में सोहसराय थाना क्षेत्र के सोहिड़ निवासी अधिवक्ता ललित कुमार मौर्य ने सोहसराय सहारा इंडिया शाखा प्रबंधक पर जमा राशि परिपक्वता पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इस मामले में उसने फोरम में 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान परिवादी तथा अधिवक्ता कन्हैया कश्यप ने कोर्ट के समक्ष सारे साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बहस की थी। परिवादी ने 5 अक्टूबर 2007 को सहारा इंडिया के 10 और 5 हजार के दो बॉन्ड लिए थे। परिपक्वता तिथि पश्चात परिवादी ने सारे कागजात साक्ष्य सहारा इंडिया शाखा में प्रस्तुत किए और भुगतान की मांग की, परंतु सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक ने अपने बॉन्ड के उल्लेखित नियमों के को दरकिनार करते हुए भुगतान पर कोई कार्रवाई नहीं की। यह राशि 10 वर्षों बाद परिपक्व हुई थी। यहाँ दोस्तों यह राशि 10 साल बाद पूरी हुई थी। फोरम पीठ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, सदस्य अनिता सिंह, साक्ष्यों के अवेलनक के बाद फैसला दिया कि यह स्पष्ट है कि परिवादी ने सहारा इंडिया सोहसराय शाखा के से बाउंड लिया था। विपक्षी प्रबंधक का कथन प्रसाद सिंह है कि वित्तीय संकट के कारण राशि का भुगतान करने में बैंक असमर्थ है या एक बार में पूरी रकम का भुगतान नहीं किया जा सकता। वित्तीय संकट के कारण भुगतान रोकना समाधान नहीं है, अतः सहारा इंडिया को सोहसराय शाखा के प्रबंधक को आदेश दिया जाता है कि परिपक्वता की अवधि पूरी होने के बाद अवधि का भुगतान तिथि तक 10% ब्याज के साथ 30 दिनों के समाधि में परिवादी को भुगतान करे। इसके साथ ही विपक्षी मानसिक आर्थिक व क्षति वाद विवाह में कुल 15,000 रुपये परिवादी को अदा करे। या दोस्तों ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है खबर। अगर पसंद आया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। जय।